नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रोडक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखे हैं वीडियो। तो आईटीसी के अंदर अभी क्या न्यू चल रही है, क्या प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए, तो इस वीडियो के अंदर क्लियरली बात करेंगे दोस्तों। क्या आईटीसी के रिजल्ट कब आने वाले हैं और क्या रिजल्ट रहने वाले हैं यहाँ पे, तो क्या शुरुआती यहाँ पे क्या आईटीसी हर रिजल्ट से पहले जो बढ़ता है, क्या यहाँ पे बोनस भी देने वाला है शेयर? तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे शेयर के रिलेटेड जो 5 साल के अंदर जो बोनस होता है देती है कंपनी, वो यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, तो वहाँ पे इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो पसंद आए तो। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस वीडियो के अंदर आपको क्लियरली समझाऊंगा यहाँ पे जो 24 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं तो कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, तो बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टॉक डिटेल्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉर्मली मैं बता देता हूँ क्या डिटेल चल रही है। 207 रुपये यहाँ पे लगभग शेयर, जैसे ही यहाँ पे कंपनी की जो रिजल्ट की डेट आई तो लगभग शेयर बढ़ गया एकदम से 207 रुपये। बात ही करें इसकी तो मानहानि का केस भी यहाँ पे 100 करोड़ का केस दर्ज किया है कंपनी ने मानहानि का, जो यहाँ पे उससे भी बहुत मदद मिली है शेयर को, एकदम से जो है 205 गया और उसके बाद 209 के आसपास किया। तो आज ये 15 पैसे की गिरावट कोई मायने रखती है कि शेयर के लिए, बिकॉज़ ये आने वाले 1 हफ्ते तक ऐसे ही बढ़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज 24 तारीख को इसके रिजल्ट होंगे लगभग। आज मैं डेट को 19 तारीख को जुलाई को इसका वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको जब भी देखने को मिले 24 तारीख से पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। मैं यहाँ पे अभी भी इस वीडियो के अंदर क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, अगर 207 पे भी आपको बाय करने को मिल रहा है तो बाय कीजिए। यहाँ से शेयर बहुत ही ऊपर जाने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 243 रुपये के। तो यहाँ से शेयर को आपको बाय करेंगे तो आपको एक अच्छी नॉलेज के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस शेयर के थ्रू, बिकॉज़ ये बहुत ही दिनों से शेयर जो है 205, 207, 209 के आसपास अंडर में ट्रेड करता नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे से अगर 239 से ऊपर जाता है शेयर तो लगभग 300 के आसपास ट्रेड करता नज़र आएगा, बिकॉज़ आईटीसी कई दिनों से यहाँ पे फेल हो रहा है अपने फंडामेंटल्स को लेकर। तो यहाँ पे कंपनी ने जो मानहानि का केस दर्ज किया है वो स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अपने शेयर के ऊपर ही मानहानि का केस यहाँ पे दर्ज किया है, बिकॉज़ कई दिनों से ये अपने इसी ट्रेड में चल रहा है। तो यहाँ पे जो केस दर्ज हुआ है उसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है शेयर के ऊपर, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी शेयर होल्डर्स के लिए भी, क्योंकि वो अगर यहाँ पर शेयर को सेल कर देते तो उनकी बहुत ही बड़ा नुकसान होगा उनको लिए। अगर आप इसे रखते हैं लगभग कुछ दिनों के लिए तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और लॉन्ग शॉर्ट बात करें शॉर्ट टर्म में, जैसे कि हम यहाँ पे आपको क्लियरली जो भी बताते हैं वो आपको नेचुरली देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो दोस्तों लगभग 202 के आसपास बाय करने का था यहाँ पे, लेकिन अभी तो मार्केट में शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, तो 205 के आसपास बाय करके रखिए। यहाँ पे अभी भी मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, अगर 205 गलती से भी वापस जा रहा है तो बाय करके रखिए एक लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज़ यहाँ से फुल्ली फंडामेंटल चेंज होते नजर आएंगे शेयर में, क्योंकि बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की धीरे धीरे बढ़ रही है, बात करें FMCG की सेक्टर से रिलेटेड भी बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो FMCG को लेकर बात करें, सिगरेट बिजनेस भी कंपनी का धीरे धीरे चलने लगा है, होटल्स कंपनी के खुलने लगे हैं, तो ये अलग ही आपको ये मोड लेके आएगा। बात करें, कंपनी हर 5 साल में जो है बोनस शेयर प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे कंपनी के बोनस शेयर भी आपको अगर मिलते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। अगर आपने बोनस शेयर के लिए बाय करके रखा है काफ़ी दिनों के लिए तो इस बार आपको वो बोनस शेयर भी मिलने वाले हैं। आपने कभी अगर डिविडेंड नहीं लिया है तो डिविडेंड भी आपके लिए क्लियरली समझ में आएगा कि कंपनी ने कितना डिविडेंड आपको दिया है, कितना आपको मिल रहा है इस कंपनी के थ्रू। तो हर एक क्वार्टर रिजल्ट के बाद कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, तो यहाँ पर आपको एक क्वार्टरली रिजल्ट जो 24 जुलाई को यहाँ पे रिजल्ट शो होंगे तो आपको अच्छी एक न्यूज़ प्राप्त होगी और अच्छा प्रॉफिट आपसे यहाँ से ले पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज आपके सपोर्ट के साथ ही हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं और हर एक वीडियो के अंदर अच्छा प्रॉफिट आपको जनरेट करके देते हैं। तो यहाँ पे 205 के आसपास बाय करके रखिए और अच्छी उम्मीद आपके मैं बता दूँ 239 से जैसे ही ऊपर क्रॉस होता है यहाँ पे 240 के आसपास तो आपको 300 के आसपास नज़र आएगा। तो इससे सेल मत कीजिएगा, सेल जब भी कीजिएगा जब कोई न्यूज़ यहाँ पे अटपटी से लगे उस टाइम, बिकॉज यहाँ पे शेयर अगर थोड़ा सा भी अटपटा होता है तो ये शेयर बहुत ही ज़्यादा गिरता है, वो भी 200 के आसपास ट्रेड करता नज़र आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।